कुछ तो रीजन बताओ दीदी। सर इनएफिशिएंसी। सर इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी। डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट। सर ट्रेड वॉर। आदि ट्रेड वॉर। ग्रीन फॉर। ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर। नहीं रेल बॉडी सब सब मंगता किसने नेचुरल क्लाइमेटीज जीएसटी सर नेचुरल क्लाइमेटीज ऑटो इंडस्ट्री इंट्रोडक्शन ऑफ दिस सी देयर आर टू मेथड अगर आपको मेंस में पूछा गया क्वेश्चन या फिर जीएस में अगर पूछा गया देन यू हैव टू राइट फ्रॉम अ सेविंग इन्वेस्टमेंट मेथड If they ask you a question in the essay, ऐसा आता है कई बार structural problem है या financial functional problem है ना इंडिया की इकॉनमी से then you have to go through a primary secondary industry sector क्योंकि अगर आप mains में GS के पेपर में ऐसा लिखोगे that पहले primary का लिखोगे then secondary industry तो common आएगा that is degrees in sales और degrees in investment है ना ये तो तीनों में है अब वो तो repetition हो जाएगी तो आपकी एक तो स्पेस कम हो जाएगी और मार्क्स तो कम मिल रही है ठीक है सो द बेटर वे इज टू राइट थ्रू अ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मैंने ऑलरेडी ये करवाया हुआ है एक्चुअली सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो सेविंग का इफेक्ट क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे ने बोला नंबर वन इज सेविंग सेविंग किस चीज को इम्पैक्ट करता है इन्वेस्टमेंट सेविंग होता क्या है आपने कितने फॉर एग्जांपल कोई बिजनेस कर रहा है ना कुछ मनी सेव करेगा यस वो इन्वेस्ट करेगा या तो वो खुद इन्वेस्ट करेगा फॉर एग्जांपल किसी की कोई शॉप है उसके पास एक मशीन है कॉफ़ी मशीन देन ही इन्वेस्ट तो एक सेकंड कॉफ़ी मशीन आ गई है ना तो उससे क्या होगा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन सेविंग दूसरा मेथड क्या है that he will take a loan from a bank. अगर suppose करो मैं saving कर रहा हूँ मुझे investment नहीं करनी मैं bank में रख देता हूँ है ना तो bank आगे loan देगी it means increase in saving lead to a increase in loan capacity of a bank. Second is increase in saving lead to a investment. Third जो हमने उस class में किया था which is not given in regular books that how saving increase FDI or foreign investment. इसमें है कोई विचार पेश करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर देखो एक सपोज करो सर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो बाहर से आगे लोग करेंगे वो तो बीजेपी वक्तों वाली बात है कि जय हिंद बोलना है तो जय हिंद ही बोलना है शॉक अब्सॉर्ब फॉर एग्जांपल यू वांट टू इन्वेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट मैं एग्जांपल दे दूँ ये इंटरनेशनल लेवल पे होगा है ना सपोज यू वांट टू इन्वेस्ट इन नेपाल अब नेपाल में इन्वेस्ट करना है या तो आप 100% एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दो या आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो कहता है 30% मैं करूँगा 70% आप करो अगर आपके पास एक और बंदा मिल जाता है जो कहता है 50% मैं करूँगा 50% आप करो तो आप किसके पास जाओगे 50 वाले क्योंकि आपको लोकल कंडीशन का पता नहीं है इट मीन्स वो 50% आएगी कहाँ से सेविंग अगर उस बंदे ने सेविंग की हो है ना इट मीन्स इंडिया में अगर सेविंग हो तो उससे एज ए शॉक अब्जॉर्बर जो भी बाहर से भी कंपनी आएगी वो सेटअप करेगी ठीक है लोकल के साथ भी अगर लोकल बंदे के पास इन्वेस्टमेंट के लिए सेविंग होगी तभी तो होगी तो ये इसका पूरा फ्लो चार्ट मैंने बनाया हुआ था उसमें देख लेना किसी से आप ठीक है फर्स्ट थिंग इज सेविंग तो इंडिया की सेविंग डिक्रीज हुई है इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई तो इसमें आपको प्री में क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से डेटा थोड़ा से लिख लो दैट ग्रॉस सेविंग जो टोटल सेविंग है ग्रॉस सेविंग इन 2011-12 हमारी थी 34.6 2011-12 उसके बाद डिक्रीज हुई 2016-17 तक
कितनी पहुंच गई 30.3 2016-17 30.3 और 2017-18 जो इकोनॉमिक सर्वे बोलता है इट इज 30.5 तो थोड़ी सी इंक्रीज हुई 16-17 का कंपैरिजन। तो आपको अगर क्वेश्चन आया दैट इंडिया सेविंग इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग इन लास्ट 5 ईयर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं ट्रेंड तो वो राइट हो गए रॉन्ग रॉन्ग ठीक है। इसका मतलब सिर्फ इतना है और आप मेंस में यूज करोगे दैट सेविंग इज डिक्रीजिंग। इसमें एक हाउस होल्ड की सेविंग है वो लिख लो हाउस होल्ड की सेविंग है 23.6 थी 2011-12 में डिक्रीज हो गया गई 17.1% 23.6% थी 2011-12 में ठीक है उससे डिक्रीज हुई 17.1% आ गई 2016-17 और थोड़ी सी इंक्रीज हुई 17.2% होगी 2017-18। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है। सी आपने हाउस होल्ड की सेविंग देखी डिक्रीज होगी है ना। थ्री टाइप की मेन सेविंग होती है वन इज हाउस होल्ड अनदर वन इज प्राइवेट कॉर्पोरेट एंड अनदर इज पब्लिक। तो हाउस होल्ड की सेविंग है जो इट ऑलमोस्ट 60% ऑफ टोटल सेविंग। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाउस होल्ड की सेविंग है जो 60% ऑफ टोटल सेविंग एंड प्राइवेट कॉर्पोरेट की है 35% प्राइवेट कॉर्पोरेट की है 35% और बाकी जो 4-5% है दैट इज पब्लिक सेविंग। ओके नाउ सेविंग डिक्रीज किसमें हो रही है मैक्सिमम हाउस होल्ड में है ना मैक्सिमम डिक्रीज हाउस होल्ड में हुई है सेविंग व्हाई। नंबर वन इज डीमोनेटाइजेशन इसके फैक्टर लिखो नंबर वन इज डीमोनेटाइजेशन। अब एक बात देखो सी रूरल इकोनॉमी किसके ऊपर बेस्ड है कैश कैश के ऊपर बेस्ड है ना। नाउ आफ्टर डीमोनेटाइजेशन क्या हुआ ये तो गया कैश सेकंड इज डिस्ट्रेस एग्रीकल्चर है ना एग्रीकल्चर का प्राइस नहीं प्रॉपर मिल रहा इट मींस दैट दे विल हैव अ लेस मनी। अभी इकॉनमी स्लो डाउन का ये तो रीजन है दैट जो पार्ले जी वगैरह जॉब लॉस हो रही है ना तो उसका रीजन क्या है पीपल हैव अ लेस मनी टू स्पेंड ऑन दोस ठीक है। सेकंड इज अर्बन एरिया में गया इंपैक्ट यहाँ पर तो कैश चाहिए जितना डीमोनेटाइजेशन कैश गया इवन जो घर में छुपा कर रखा था वो भी गया है ना। वो बंदा सारा दिन सोचते रहते यार पैसे दिए वो घर वाली 1.5 लाख दे रही है कहती है मेरा निकला वो उसको तो मुझे आज पता चला मैं लखपति हूँ है ना कितने पैसे निकले ऐसी स्टोरी काफ़ी आई न्यूज़ पेपर में तो पता नहीं कहाँ कहाँ पर छुपा कर रखे। तो डीमोनेटाइजेशन से कैश गया जो घर में से इन 2008 में एक जब स्लो डाउन आया था उसमें एक न्यूज थी दैट जो ग्लोबल स्लो डाउन है ना इंडियन इकॉनमी ऑलवेज हैव अ मोर रेजिलियंस टू ग्लोबल स्लो डाउन उसका रीजन है वन इज ब्लैक मनी एंड सेकंड इज सेविंग। अगर ग्लोबल स्लो डाउन है हमारे पास सेविंग इतनी है हमें इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये पीएम मनमोहन सिंह की उसमें इंटरव्यू में उन्होंने बताया। सेकेंड इज ब्लैक मनी क्यों ब्लैक मनी में अंडरग्राउंड एक अलग से मार्केट चलती है। दीज टू फैक्टर ऑल्सो प्रोटेक्ट इंडिया नेगेटिव तो है ही है ना नेगेटिव तो है बट दे ऑल्सो प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम ग्लोबल शॉक। नाउ अर्बन एरिया में क्या हुआ जॉब लॉस क्योंकि यहाँ पर कंजप्शन कम है अर्बन एरिया में क्या हुआ जॉब लॉस विच लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट और उससे क्या हुआ डिक्रीज इन इनकम। सो वेन द डिक्रीज इन इनकम उससे इम्पैक्ट क्या होगा डिक्रीज इन सेविंग। अनदर थिंग इज रियल एस्टेट 3/4 रियल एस्टेट। हाँ जी सर अगर जो जिन लोगों के पास कैश है वो बैंक में जमा करा रहे सारे तो सेविंग बढ़नी ही चाहिए बढ़नी चाहिए तो सर तो डिक्रीज क्यों होती है कैश आप यूज कब कर रहे हो तो कैश आप यूज कर ही नहीं समझे आप। डीमोनेटाइजेशन देखो मैं आपका समझ गया मतलब
डीमोनेटाइजेशन का आप इम्पैक्ट कह रहे हो कि लोगों के पास जितने पैसे थे वो बैंक में चले गए, सेविंग इंक्रीज हो गई, यही बोल रहे हो। एक टाइम पर ब्लॉक हो गए पैसे, उसका आफ्टर इम्पैक्ट क्या होगा? उसी टाइम पर तो हमारे पास सेविंग कम नहीं हुई ना, सेविंग का इम्पैक्ट क्या होगा? अब शो हो रहा है ना इकॉनमी को, उसका इम्पैक्ट क्या होगा डीमोनेटाइजेशन? कंजम्पशन कम हो जाएगी, सेविंग बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी ना, मैं वही बोल रहा हूँ। आपके पैसे बैंक में है, ठीक है, सेविंग बढ़ गई, आपने सपोज करो, चलो ये एग्जांपल दे दो, 2 लाख हैं आपने बैंक में जमा करवाए, इसका मतलब सेविंग तो है आपकी पास, चाहे घर में पड़ी थी बैंक में पड़ी, सेविंग है। लेकिन डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? उस टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, अनएम्प्लॉयमेंट आपका ये 2 लाख कितने टाइम चलेगा समझे? अगर मान लीजिए 1 साल चला दिया, उसके बाद तो जॉब तो है नहीं, जिस बंदे के 2 लाख है उसके पास जॉब ही नहीं है, तो उसकी फर्दर जो सेविंग कहाँ से रहेगी? ये सेविंग तो खत्म होगी ना, समझ रहे हो आप? ये 2 लाख की सेविंग को अगर मैंने सेट करना है कैसे करूँगा? मुझे मंथली इनकम तो आए अपना खर्चा पानी के लिए, तभी तो 2 लाख मेरा सेट रहेगा एज ए सेविंग। लेकिन डीमोनेटाइजेशन से क्या हुआ? अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी, फैक्ट्री के पास पैसे नहीं थे, डिमांड ही नहीं थी, ठीक है, एकदम से डिमांड कम हुई, तो उसके बाद क्या हुआ? मेरी जॉब चलेगी, तो वो 2 लाख मेरे लिए अब सेविंग नहीं है, उसको मैं खर्चना शुरू करूंगा टाइम पास के लिए, समझ आया? सो द इम्पैक्ट ऑफ दैट, अब जैसे इन्होंने अभी बोला दैट मानसून, दीज आर स्मॉल से लोकल इम्पैक्ट, कई जगह पर ज़्यादा आ गई, कई जगह पर ठीक है, कई जगह पर ड्रॉप है ना, नेचुरल कैलामिटीज जो हुई है दे आर लोकलाइज और वी कैन से इमीडिएट फैक्टर, बट लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या है? GST इज देयर, GST में क्या हुआ? कई MSME को पता ही नहीं चला भी करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल आज GST आया, मेरी एक कंपनी है, ठीक है, मुझे 3 महीने तक ये नहीं पता चला कि इसको भरना कैसे है, एंड अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हुआ? इन्वेंट्री विल इंक्रीज। अगर मान लो मेरे पास 4 प्रोडक्ट है, ठीक है, मुझे मार्केट में सेल करने हैं, दे आर बेस्ड ऑन लोन, मैंने लोन लिया, 4 प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए, मुझे मेरा आइडिया है कि ठीक है एक वीक में ये सेल हो जाएंगे, तो इनकम दैट आई विल अर्न फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सोर्स आई विल पे टू द बैंक, ठीक है। अब मुझे GST के कारण कई MSME ने होल्ड कर लिया, क्योंकि पता नहीं था कि प्रोडक्ट बेचें क्या, उसके बाद ये ना हो पंगा हो जाएगा ना, तो उससे क्या हुआ, जो एक प्रोडक्ट एक वीक के लिए था वो कमुलेट होता गया 4-4 मंथ तक, तो उसमें बैंक से लोन लिया हुआ है, वहाँ से तो इंटरेस्ट आएगा, तो अल्टीमेटली उन्होंने प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, कि पता नहीं, अनसर्टेनिटी, दैट इज अनसर्टेनिटी, क्लियर है? ओके, रियल एस्टेट में क्या हुआ? 3/4 ऑफ द हाउस होल्ड इनकम इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट, तो रियल एस्टेट में अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो कहती है कि दैट नंबर ऑफ अनसोल्ड हाउस होल्ड इन हाउसेज इन इंडिया, नंबर ऑफ अनसोल्ड हाउसेज इन इंडिया इंक्रीज इन अ रिसेंट टाइम। देखो ये सिचुएशन सेम आई थी चाइना में, तो उस समय एक वर्ड बड़ा न्यूज में होता था, गोस्ट हाउस, सुना है किसी ने? गोस्ट हाउस, गोस्ट वाला तो सुना ही होगा आपने, गोस्ट हाउस ये चाइना ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी कर दी, किसी ने खरीदा नहीं। अब चाइना में अब होता क्या है, लीज के बेस पर चलता है, दैट अगर आपने हाउस को ले लिया 100 साल की लीज पर, देन आप दूसरे को दे, ठीक है। सो इंडिया में भी सिमिलर सिचुएशन आ रही है, ठीक है। सो अब उससे क्या होगा, रियल स्टेट में डिमांड इंक्रीज होगी, है ना, इसीलिए तो हमारा ये सिस्टम चल रहा है। एंड अल्टीमेटली जो इन्वेस्टमेंट थी हाउस होल्ड की रियल स्टेट में, उसको जो इंक्रीमेंट और उसकी जो इंटरेस्ट उसको आना था, है ना, मल्टीप्लाई करना था, भाई 2 हो गए 20 लाख आ दिया, 3 महीने में 40 हो जाएगा, दे दो, ऐसे ही करते हैं बच्चे पेरेंट्स उस टाइम पे, है ना, कि भाई हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में करो ना, बैंक में क्यों रखे, तो रियल एस्टेट में मंदी आ गई। इसी तरह ही US में हुआ, पता है US में क्या हुआ? लोन दे दिए, चेक नहीं किया कि हाँ रियल एस्टेट का प्राइस बहुत बढ़ रहा है, तो लोन देते गए, उसके बाद एकदम कम हुआ, तो उन्होंने लोन पूछा, उन्होंने घर ले जाओ, लोन नहीं है हमारे पास, तो अल्टीमेटली वो पूरी इकॉनमी, क्लियर है? सेकेंड इज इन्वेस्टमेंट, रियल
the three-fourth of household saving is invested in real estate sector. According to a one report, there is a recent increase. In unsold houses in India. ठीक है? Clear? Which lead to slowdown in real estate sector. अब देखो, real estate sector में slowdown होगा तो you can link it with the other. Economy है ही ऐसी है ना, एक topic watertight तो है नहीं. When a real estate sector decrease, तो इसे कौन कौन सी इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ेगा? सीमेंट इंडस्ट्रीज, पेंट इंडस्ट्रीज, और क्या क्या है? फर्निशिंग, हाँ जी, और ग्लास इंडस्ट्रीज, आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, कौन सी? टेक्सटाइल में पर्दे लगेंगे. हाँ सही है, इवन ये भी कम हो जाएंगे. ठीक है, सो रियल एस्टेट सेक्टर से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा. ठीक है, सेकंड इज सेव इन्वेस्टमेंट, तो इसके रहेगा. अगर इन्वेस्टमेंट कम, सेविंग कम होगी, देन इट लीड टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसका रिलेशन है. ठीक है, नो द इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन अगर एक और ले लें, और आप अलग भी कर सकते हैं. एग्जैक्ट इम्पैक्ट ऑफ डीमोनेटाइजेशन फ्लो चार्ट एक छोटा सा लिखो. डिक्रीज इन कैश, उससे क्या होगा? डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई और प्रोडक्शन, है ना? अगर डिमांड ही कम है तो प्रोडक्शन भी तो कम होगी, वो प्रोड्यूस ही क्यों करेंगे इफ देयर इज अ लेस डिमांड. इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस होगा ना. व्हेन कंपनी डिक्रीज इट्स प्रोडक्शन, तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट, जॉब लॉस होगा. नो, विद द इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, डिक्रीज इन सेविंग, है ना, सेविंग तो गई खत्म. फर्दर डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, यहाँ से आप इसको कैश के साथ भी लिंक कर सकते हो. यू कैन लिंक इट विद द सेम स्टेट. अगर सेविंग कम है तो क्या होगा? कैश कम. एंड एट द एंड देयर इज अ इकोनॉमिक स्लोडाउन. इकोनॉमी तो ऐसे ही हो जाती है, वन इज डिक्रीज इन कैश विच लीड टू डिक्रीज इन डिमांड एंड देन डिक्रीज इन सप्लाई और प्रोडक्शन, then increase in unemployment, है ना, job loss, जैसे पार्ले जी आपने अभी देखा auto industry. then decrease in saving, अगर unemployment है तो अभी मैंने समझाया था जो दो लाख वाला केस, it lead to decrease in saving. now with the decrease in saving, decrease in investment, और investment decrease होगी क्या, तो क्या होगा? economy slow down. यही factor है, यही आपने चार पांच घुमा कर लिखने हैं पॉइंट. मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता रहा हूँ कि ये ऐसे भी आ सकता है. देन हाई एनपीए, नेक्स्ट पॉइंट फोर इज हाई एनपीए. फोर्थ पॉइंट इज हाई एनपीए. हाई एनपीए से क्या होगा? डिक्रीज इन लोन्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज, डिक्रीज इन लोन्स टू स्मॉल इंडस्ट्रीज. जैसे अभी रिसेंटली मर्जर किया है ना, उसका रीजन ये है to increase the capacity of a bank. See, अब NPA increase हो गया, it means that कि अब bank क्या होगी? Bank loan tightening करेगी, loan ऐसे नहीं देगी easily, specially किसको नहीं देगी? One is to small industries
एंड फार्मर्स, क्योंकि उनका पता नहीं है अभी कब वापस करें या ना करें, लेकिन बड़ों का भी नहीं पता है ना। लेकिन एटलीस्ट वो होता है कि भाई हाँ ये इंडस्ट्री सेटअप है कि अगर इसमें स्लो डाउन आया तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर देगी इसको, बट स्मॉल इम्पैक्ट वही होगा दैट इट विल हैव टू इम्पैक्ट द फार्मर्स स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री एंड हाउस फार्मिंग और हाउस होल्ड और लोकल लाइवलीहुड वो किस पर डिपेंड है, कैश पर। एंड अल्टीमेटली जब लोन ही इंक्रीज होगा इट मीन्स दैट एमएसएमई के पास कुछ नहीं है, है ना, प्रोडक्शन करने के लिए। सो अल्टीमेटली लीड टू अ डिक्रीज इन सेविंग एंड डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। अगर बैंक से लोन ही नहीं मिल रहा तो इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलेगा। क्लियर सर? मुद्रा योजना तो चल रही है इसके लिए। मुद्रा योजना में जो गवर्नमेंट ने भेजा है वो मैक्सिमम उसमें एनपीए की रिपोर्ट है, गवर्नमेंट जो रिलीज नहीं कर रही। एक न्यूज़पेपर ने रिलीज़ की थी रिपोर्ट कि जो मुद्रा योजना के थ्रू गवर्नमेंट ने लोन दिलवाए दे मोस्टली बिकम एनपीए। उसमें क्या है, देखो गवर्नमेंट मुद्रा योजना में प्रेशर डालती है आप लोन लो लोन, बैंक को तो पूरा करना है वो कोटा, तो वो जब लोन देती है वो देखती नहीं है सामने कि उसकी क्रेडिबिलिटी है। यही इंडिया में पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रॉब्लम ही एक है, दैट इज पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट को टारगेट देती थी इतने लोन दो, अब जनधन योजना टारगेट दे दिए इतने अकाउंट खोल दो, अब उनका बेनिफिट कहाँ पे हुआ, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हुआ ना, अगर हर बंदे के पास अकाउंट है 10-10, 20-20 हज़ार बांटती है भी तुम इसमें जमा करवाओ तो क्या हुआ, उसमें क्रेडिबिलिटी है ही, चेक ही नहीं किया। बैंक के पास टारगेट था इतने अकाउंट खोल रहे, चेक ही नहीं किया भी हाँ भी KYC नॉर्म्स ही नहीं है उसका, ऐसे ही खुलाते जा रहे हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक में जाकर अकाउंट खुलवाओ इतनी जल्दी खोलते हैं, अगर आप यहाँ पे लोकल भी नहीं हो तब भी नहीं खोलेंगे, है ना। तो ये गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ही जो मेन इसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैक्सिमम एनपीए की बात करो तो वो है PSB में, उसके बाद जो प्राइवेट बैंक उसके बाद फॉरन बैंक, तो जादू तो नहीं है कोई भाई, है प्रॉब्लम तो है ना। ओके देन ग्लोबल फैक्टर, ग्लोबल फैक्टर में कौन कौन सा आएगा। वन इज प्रोटेक्शनिज्म, प्रोटेक्शनिज्म इज अ रिवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन। सी ग्लोबलाइजेशन स्टार्टेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज, है ना, क्यों स्टार्ट किया था, बिकॉज दे हैव हायर प्रोड्यूस, है ना, तो मार्केट के लिए किया, ठीक है। अब जब जिस मार्केट में किया अब उसने लो कॉस्ट पे जैसे चाइना उसने टेक्नोलॉजी डेवलप की एंड रिच हैव अ लेसर कॉस्ट एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट इन अ डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। नो वेन अ प्रोडक्ट विच हैव अ लेसर कॉस्ट इन डेवलपिंग कंट्रीज तो क्या होगा, वो ज़्यादा कम्पिटिटिव होगा, है ना, अल्टीमेटली वो रिवर्स कर देगा पूरा, पहले डेवलप्ड कंट्रीज से डेवलपिंग कंट्रीज, नाउ डेवलपिंग टू डेवलप। उसके डर से इन्होंने क्या अब शुरू कर दिया है, प्रोटेक्शनिज्म। इसकी एग्जांपल है US ट्रेड वॉर, क्या कर रहे हैं, टैरिफ इंक्रीज कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोटेक्शनिज्म। सेकंड बेस्ट एग्जांपल है दैट इज ब्रेक्सिट, ब्रेक्सिट Why Britain want to exit from European Union? क्योंकि यूरोपियन यूनियन के रूल है, यू कैन ईजिली गेट अ वर्क परमिट, है ना, इन अदर कंट्री। अब यहाँ पर अगर सपोज करो एक डिप्लोमा होल्डर है इन ब्रिटेन, ओके नो ही विल गेट अ जॉब ईजली इन ब्रिटेन, लोकली जॉब मिल जाएगी। बट अगर यहाँ से जर्मनी और बाकी कंट्रियों से आए डिग्री होल्डर क्या होगा, कंपनी विल प्रेफर दिस डिग्री होल्डर, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ही है, जैसे इंडिया में होता है अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना, चाहे उसकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है बट दे विल प्रेफर दिस डिग्री होल्डर। सो अल्टीमेटली दीज डिप्लोमा होल्डर विच आर लोकल इन अ ब्रिटेन दे विल बी अनएम्प्लॉयड। सो दिस इज द वन ऑफ द मेजर फैक्टर फॉर द ब्रेक्सिट कि भाई अलग हो। अदर फैक्टर भी हैं दैट इज इन्वेस्टमेंट, देन द यूनिवर्सिटीज
एजुकेशन में काफ़ी सारे फैक्टर हैं, बट वो हम अलग से किसी दिन ब्रेक्सिट का इशू आया तो करेंगे, ठीक है। देन फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या है? पतंजलि तो फास्ट मूविंग इंडस्ट्री है। सी अगर आपको जज करना है वेदर इंडिया से इंडस्ट्री इकोनॉमी स्लो डाउन और नॉट, पतंजलि का डेटा देख लो, वाकई स्लो डाउन, क्योंकि वो तो पूरी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। सो फास्ट मूविंग जैसे पार ली थी, जो भी हम यस फूड इंडस्ट्रीज बीवरेजेस ये सारा है, ठीक है। देन द लास्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में क्या होगा? अभी एक रिपोर्ट आई थी, वो ये कहती है, ठीक है, हम बोलते हैं दैट इंडियाज जीडीपी ग्रोथ इज डिक्रीजिंग, है ना, 5% के आसपास आ गई, बट जो हम पहले 2-3 साल में ये बोल रहे हैं दैट इंडियाज इकॉनमी वाज ग्रोइंग, वो ग्रोइंग हुई कुछ नहीं था, वो कह रहे हैं दैट इज ओनली बिकॉज दैट गवर्नमेंट वाज गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट वाज स्पेंडिंग हायर अमाउंट एज कम्पेयर टू नॉर्मल विच गवर्नमेंट शुड स्पेंड ऑन इकॉनमी। तो जो हमारी इकॉनमी में जो एक्सपेंडिचर जो मनी फ्लो था दैट इज ड्यू टू अ गवर्नमेंट, ऐसा नहीं था ये कंज्यूमर यहाँ पर कमा रहे हैं, ठीक है। वो बोलता है दैट अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर इन इंडिया, दैट हाउ कुड यू एक्सपेक्ट दैट ड्यूरिंग द प्रीवियस 1 or 2 years इंडियाज इकॉनमी वॉज ग्रोइंग वेरी हाई एंड सडनली इट डिक्रीज, ये एक इकोनॉमिस्ट का व्यू है, ठीक है, और तो निगेट भी किया है कहीं, क्योंकि बाकी डेटा तो है हमारे पास, बट दिस इज द वन ऑफ द व्यू। अब इसका डेटा है, ही सेड दैट गवर्नमेंट, लिखो गवर्नमेंट स्पेंड अराउंड 10% इन अ इकॉनमी, बट ड्यूरिंग 2017 एंड 18 गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर वॉज 19% एंड 13% एंड 13% इन 2018 एंड 19। पहले 2017 एंड 18 इट इज 19% एंड नाउ 2018 एंड 19 इट इज 13%। इट मीन्स टू फर्दर इंक्रीज अ ग्रोथ गवर्नमेंट हैव टू स्पेंड मोर, इस साल भी 19-20 है ना, बट गवर्नमेंट डू नॉट हैव अ मनी। उसका रीजन क्या है? एक तो मेजर फैक्टर और क्रूड ऑयल का ही है ना, प्रीवियसली द कॉस्ट वाज लेस तो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट के पास कुछ था। सेकेंडली अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट हैव लेस मनी, अगर गवर्नमेंट बोरो करेगी तो क्या होगा, क्राउडिंग आउट इफेक्ट होना, अब इकॉनमी स्लो डाउन है, गवर्नमेंट कैन बोरो है ना एंड स्पेंड, बट गवर्नमेंट बोरो क्यों नहीं कर रही है? ये भी तो सोचना है। सपोज इंक्रीजिंग बोरोइंग, उससे क्या होगा, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट है ना, अगर मार्केट से मान लो गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी ज्यादा दे दिया, मनी बोरो कर दी, मनी फ्लो इन अ मार्केट डिक्रीज, विद दैट डिक्रीज इन मनी फ्लो बैंक्स विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट है ना, कम पैसा होता है इंटरेस्ट रेट कम ही होता है, इंक्रीज होता है, विद द इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट क्या होगा, डिक्रीज इन लोन कैपेसिटी ऑफ बैंक है ना, नाउ विद द डिक्रीज इन लोन कैपेसिटी क्या होगा, डिक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट, कि आपने तो पैसा ले लिया स्पेंड करने के लिए, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर विच इज मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि लोकल इन्वेस्टमेंट तो उसी की है ना, वो डिक्रीज हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्राउडिंग आउट इफेक्ट। नाउ टू प्रिवेंट दिस क्राउडिंग आउट इफेक्ट गवर्नमेंट के पास चांस क्या था, RBI, ठीक है, तो उसको अभी हम नेक्स्ट करेंगे, क्राउडिंग आउट।
एक्सटर्नल सोर्सेज से लोन वहाँ पे इंटरेस्टेड ऑलरेडी हमारा जो करेंसी है इंडिया की वो डॉलर के साथ कंपेयर करोगे ना देखो बोरोइंग एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है फिस्कल डेफिसिट इंक्रीज होगा तो विद द इंक्रीज इन फिस्कल डेफिसिट जो आपकी बॉन्ड क्रेडिबिलिटी आपकी जो रेटिंग होती है ना गवर्नमेंट की गवर्नमेंट सिक्योरिटी की वो डिक्रीज हो जाए काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं जो इम्पैक्ट करते हैं तो इसलिए वो वहीं पे बीच में रहना पड़ता है अगर बॉन्ड की आपकी कैपेसिटी देखो डिक्रीज होगी क्रेडिबिलिटी डिक्रीज होगी तो क्या होगा बॉन्ड का प्राइस डिक्रीज होगा वो ज़्यादा बड़ा लॉस है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओके डन नो द इसी का सब पार्ट है दैट इज ऑटो इंडस्ट्रीज ऑल्दो ये टॉपिक एक दो हफ्ते पुराना है आई थिंक है ना ऑटो इंडस्ट्री का इशू तो अभी भी चल रहा है बट उसको एक सिंक्रोनाइज करने के लिए मैंने ये टॉपिक निकाला है ऑटो इंडस्ट्री में क्या इशू है इनकम टैक्स इंक्लूड तो जितने मर्जी करो आगे बढ़ा जो भी रिवर्स किया ऑटोमेटिक नोटिस ओके सी ऑटो इंडस्ट्रीज एक तो अगर आपको एग्जाम में आ गया मेजर फैक्टर तो रहेंगे वो डीमोनेटाइजेशन जीएसटी एंड रूरल स्लोडाउन डिक्रीज इन सेविंग है ना बट जो स्टैंड आउट है दे आर इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी मैंने बताया हुआ ये भी आई थिंक जब हम वो कर रहे थे बी एस सिक्स वही इम्पैक्ट गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी लेकर आई कौन कौन सी है बी एस सिक्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल दोनों हमने डिटेल में कवर किए हुए है ना नो दीज टू पॉलिसी डिसीजन फॉर एग्जांपल समझ लो पहले दैट बी एस सिक्स आ गया दैट बाय 2020 ये अप्रैल फर्स्ट को स्टार्ट हो जाएगा नेशन वाइड दिल्ली में तो स्टार्ट हो जाएगा नो वंस इट स्टार्ट नो टू फुलफिल दिस क्राइटेरिया ऑफ बी एस सिक्स कंपनी को क्या करना पड़ेगा दे हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट टेक्नोलॉजी चाहिए है ना तो उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अब जब वो इन्वेस्ट करेंगे तो उसका एक इम्पैक्ट होगा साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट ने क्या निकाल दिया इलेक्ट्रिक पॉलिसी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ अब जो मान लो मेरी इंडस्ट्री है ठीक है कोई ऑटो इंडस्ट्री है मैंने बी एस सिक्स के लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं ये भी तो देखूँगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक पॉलिसी है अगर ऐसा हो आज मैं इतने करोड़ इन्वेस्ट कर दूँ अगर तीन चार यार ये दो ये ब्रश दिए हुए ये भी एक रहने दो मैं देखने के लिए ये दो चीज कर तो अब अच्छा कहाँ पे था बी एस सिक्स है ना अब अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो इम्पैक्ट क्या होगा मेरे माइंड में डर तो रहेगा दैट इलेक्ट्रिक पॉलिसी इज ऑल्सो देयर दैट इट मे बी दैट आफ्टर फाइव ईयर गवर्नमेंट विल चेंज इट्स पॉलिसी एंड से दैट ऑल कंपनी शुड मेक अ इलेक्ट्रिक व्हीकल तो मेरी इंडस्ट्री इतनी इन्वेस्टमेंट का सिक्योरिटी क्या होगा दिस इज द वन रीज़न सेकेंड रीज़न क्या है कंज्यूमर परस्पेक्टिव कंज्यूमर इज थिंकिंग कि भाई बी एस सिक्स आएगा वो तभी ले लेंगे बी एस फोर नहीं लेंगे ठीक है बट प्रीलिम में यहाँ पर आपको क्वेश्चन आएगा एंड आई थिंक वो आएगा इंटरव्यू बी एस सिक्स अगर फ्यूल और व्हीकल ये आपको क्लियर होना चाहिए दैट बी एस सिक्स अगर फ्यूल है तो ये बी एस सिक्स व्हीकल में डालेंगे क्या होगा चलेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी है ना बट अगर मैं बी एस सिक्स फ्यूल बी एस फोर फ्यूल बी एस फोर व्हीकल में डालू नो प्रॉब्लम बट अगर बी एस सिक्स फ्यूल बी एस फोर व्हीकल में आ गया तो क्या होगा नहीं यार चलेगा तो चलेगा चलता तो कह रहा मतलब मेरा
क्वेश्चन तो आपको प्री में ऐसे ही पूछे थे, पूछा जा रहा है इफ वी जो भी उसका होगा BS6 एंड BS4 व्हीकल, तो उसका इंपैक्ट इट कैन बी इंपैक्ट, इट कैन इंपैक्ट अ पर्टिकुलर व्हीकल और नॉट, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर ये आपको बिल्कुल आंसर देना है दैट वेदर इट इंपैक्ट अ पर्टिकुलर व्हीकल और नॉट। हाँ जी, इंजन की एफिशिएंसी, देखो BS6 फ्यूल में क्या है, सल्फर इज लेस, है ना, सल्फर इन BS6 फ्यूल इज लेस एज कंपेयर टू BS4। नो द डिजाइनिंग ऑफ BS4 इंजन इन अ सच वे दैट दे नीड अ सल्फर फॉर देयर स्मूथ रनिंग, इसका मतलब BS4 व्हीकल को सल्फर की जरूरत है स्मूथ रनिंग, ठीक है। नाउ इफ दे गेट अ लेस सल्फर, क्योंकि हाई क्वालिटी का फ्यूल एंड अल्टीमेटली इट विल इंपैक्ट बट इन अ लॉन्ग टर्म नॉट इन अ इमीडिएट इंपैक्ट। एक और है क्या, वो कौन सा है, BS4 फ्यूल इन BS6 इंजन, इसका इंपैक्ट क्या होगा, BS4 फ्यूल इन BS6 इंजन। अगर आपको याद हो तो मैंने एक जब हमने टेक्नोलॉजी की थी, टेक्नोलॉजी नीडेड फॉर अ BS6 वो कौन सी थी, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, याद है। नो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर करता क्या, सपोज दिस इज द इंजन, यहाँ पे क्या लगा होगा, डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, यहाँ पर कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ पर एग्जॉस्ट, ठीक है, क्लियर है। तो इंजन से एग्जॉस्ट जाएगा कहाँ पर, डीजल पार्टिकुलर फिल्टर, यहाँ पर फिल्ट्रेट इकट्ठा हो जाएगा, है ना, पार्टिकुलर फिल्टर, देन इट विल मूव टू फर्दर इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर, यहाँ से ये अल्टीमेटली CO2 एंड N2 जो है ना नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड को कन्वर्ट करेगा, कैटालिटिक कन्वर्टर, ये हमने किया हुआ। नाउ इफ इट इज अ BS6 फ्यूल, अगर मैं डाल दूं, दिस इज अ BS6 इंजन, इट विल हैव अ लेस पार्टिकुलेट मैटर, इसका मतलब अगर सपोज करो एक दिन में यहाँ पर इतने पार्टिकुलेट मैटर आ रहे हैं, है ना, बट इफ आई रिप्लेस इट विद द BS4 इट हैव अ हायर पार्टिकुलेट मैटर, इट मीन्स पर डे में क्या होगा, लेवल ज़्यादा जाएगा एंड अल्टीमेटली ये इसको डीकंजेस्ट कर देगा डीजल पार्टिकुलर फिल्टर को जल्दी एज कम्पेयर टू डीजल BS6 फ्यूल, सो इट विल इम्पैक्ट इन अ लॉन्ग टर्म। एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा या क्या नहीं होगा वो तो चलो व्हीकल आने के बाद ही पता चलेगा, बट जो अभी कंसेप्ट है जिसमें डिज़ाइन के ऊपर बेस्ड है रिसर्च, प्लीज दे, ठीक है। अच्छा एक और लिख लो, दैट इफ आई से दैट डीजल BS6 इंजन, ठीक है, एंड BS4 इंजन, तो BS6 व्हीकल जो है उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होगी एज कम्पेयर टू BS4 और नॉट, सही आंसर आपका यस। अगर एवरेज अभी कोई व्हीकल की 20 है, BS4 है, नो व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू अ BS6 इट्स एवरेज विल लाइक 18 और 17 समथिंग, ठीक है, रीजन क्या है उसका। नाउ यहाँ पर डीजल पार्टिकुलर फिल्टर मैटर है ना, पहले तो ये डीजल पार्टिकुलर फिल्टर BS4 व्हीकल में है या नहीं, 4 नहीं हमने इंट्रोड्यूस किया, तो यहाँ से क्या होगा, इसको बर्न आउट तो करना पड़ेगा जब कर, ठीक है, वहाँ पर एकम्युलेट होगा, देन इट हैव टू बी बर्न आउट, तो ड्यूरिंग अ बर्न आउट इट नीड अ मोर एनर्जी, BS6 की बात कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली उसकी एवरेज कम होगी। तो इससे ऊपर क्वेश्चन ही आएगा, या तो पूछेगा BS6 व्हीकल और BS4 फ्यूल, या BS4 फ्यूल एंड BS6 व्हीकल, या BS6 व्हीकल एज कम्पेयर टू BS4, क्लियर, ओके लिखो बच्चे, तो कोई इमीडिएट इफेक्ट थोड़ी ना आ जाएगा पॉल्यूशन पे, कैसे सर, BS6 इंट्रोड्यूस होने के बाद भी कोई इमीडिएट इफेक्ट नहीं, नहीं, नहीं सोचा है कई इफेक्ट है, BS4 व्हीकल तो है बैन तो नहीं हुए, तो वही तो बात है, मोस्टली BS4 ही है।
अगर मान लो दिल्ली में BS6 आ गया, ठीक है, आप BS4 ले जाओगे तो वो मना थोड़ी करेंगे, तो आप चलाओ जैसे मर्जी। बुलेट हमारी BS कौन सी है, 3 है, 4 है, नहीं जो पहले स्टैंडर्ड, उसका तो BS है ही नहीं मुझे लगता कोई। चलो लिख लो इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी, BS6 इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसी। BS6 के बारे में क्या है, सम कस्टमर आर वेटिंग फॉर लेटेस्ट BS6 व्हीकल, देन द सेकंड इज इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल लिखो, हेडिंग लिखो, इसके अंदर लिखो दैट कंसर्न फॉर इंडस्ट्रीज एज गवर्नमेंट्स टू मच फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, गवर्नमेंट्स टू मच फोकस ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, ठीक है, क्लियर है। अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा फोकस करेगा डरेगा ही वो बेचारा, है ना, इंडस्ट्री में तो ऐसा भी हो सकता है 10 साल बाद, जैसे इन्होंने बोला था भाई 2030 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दो इंडिया को, तो कहता पहले बैटरी तो लेकर आओ, भाई बैटरी कौन सी है, लिथियम आयन बैटरी, तो वो इंडिया में तो है नहीं, ठीक है। तो जब हम इम्पोर्ट करते हैं कॉस्ट विल ऑल्सो इंक्रीज, ये हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल में किया था, ठीक है। देन नेक्स्ट इज इंक्रीज इन ओनरशिप कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ओनरशिप कॉस्ट इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल, हाँ जी इलेक्ट्रिक व्हीकल का, हाँ किसमें सर आप बोल रहे हैं इंक्रीजिंग ओनरशिप कॉस्ट, ये नेक्स्ट पॉइंट है, इंक्रीज इन ओनरशिप, ये उसके रीजन बता रहा हूँ ऑटो इंडस्ट्री के, बाकी तो वही रहेंगे जो हमारी पूरी इंडस्ट्री है, लेकिन यू हैव टू पुट अ स्पेसिफिक रीजन फॉर अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री, तभी तो मार्क्स मिलेंगे ना। इंक्रीज इन ऑनरशिप कॉस्ट ऑफ व्हीकल, ब्रैकेट में लिख लो इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस कॉमा इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट कॉमा देन इंक्रीज इन इंश्योरेंस, ये सारे इंक्रीज हुए हैं रिसेंट टाइम, है ना। सो इट मीन्स दैट टोटल ऑनरशिप कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर व्हीकल विल इंक्रीज, इंक्रीज इन फ्यूल प्राइस, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इंक्रीज इन इंश्योरेंस, देन द लास्ट वन इज ग्रोथ ऑफ शेयर्ड मोड, इसीलिए तो वहाँ पर टेंशन है ना इस, अगर आप कोई सपोज कोई भी Hyundai है ना, इसीलिए गवर्नमेंट का ज़्यादा फोकस है यहाँ पर, बट अगर कोई इंडस्ट्री यहाँ पर 3-4 लाख करोड़ रुपया टोटल कोई एक इंडस्ट्री ऑटो इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है, उसके बाद आपका फोकस इसमें है, तो उनकी इन्वेस्टमेंट तो वेस्ट जाएगी, क्योंकि उनको रिटर्न के लिए टाइम पीरियड तो चाहिए, यही तो इशू है। दैट इनफैक्ट गवर्नमेंट ने दो पॉलिसी एकदम निकाल दी, एक तो BS6 उनको बोल रहे हैं इन्वेस्ट करो, एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लोगों को बोल रहे हैं ये करो, तो वो किसको बेचेंगे, ठीक है। ग्रोथ ऑफ शेयर्ड मोबिलिटी कौन सी ग्रोथ हुई है, ऊबर ओला है ना, तो उससे भी डिक्रीज हो गया, बाकी आपके वही सेम पॉइंट रहेंगे, रूरल स्लो डाउन एंड टू व्हीलर को जो मेजर इम्पैक्ट हुआ दैट इज फ्रॉम अ रूरल स्लो डाउन। तो सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन के 3-4 लिख लो, क्योंकि सोल्यूशन के मैं ज़्यादा करवाऊँगा नहीं, अभी पता चल ही जाएगा आपको एक महीने में, मैं यहाँ पर करता हूँ कि ये इन्वेस्ट कर दो ऐसा हो जाएगा ये कर दो, वो कुछ और ही सोच कर बैठे हूँ कश्मीर जैसे, है ना, क्योंकि ये तो अभी हमारा क्या तो ऐसा तो है नहीं कर रहे एग्जाम, तो गवर्नमेंट का डिसीजन आने को क्या करते हैं। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, एक सोल्यूशन है दैट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सेकेंड इज फाइनेंशियल सेक्टर टू लेंड मोर टू MSME, मोर फोकस ऑन यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में क्या होगा, देखो कॉन्करेंट लिस्ट में जब गवर्नमेंट भी काम करती है ना,
उसका जो भी प्रॉफिट होता है दैट विल बी अ शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट. अगर यूनियन इस पर फोकस करेगी इट विल गो टू द यूनियन, तो उसमें बेनिफिट होगा. अब देखो गवर्नमेंट के पास ऑप्शन क्या था, एक तो है बोरोइंग है ना, बट इसका इम्पैक्ट क्या होगा, क्राउडिंग आउट होगी, तो ये तो फायदा नहीं है, फिस्कल डेफिसिट भी है ना. सेकेंड थिंग इज टैक्स रेवेन्यू, कि टैक्स से पैसा आ जाए, ये भी आया नहीं इस टाइम, एक्सपेक्टेड से बहुत कम है ना, तो यहाँ पर शॉर्टफॉल हो गया. तीसरा ऑप्शन है डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है. अब डिसइन्वेस्टमेंट, अब एक बात देखो दैट प्राइवेट इंडस्ट्री इज एट देयर लो है ना, प्राइवेट बिजनेसमैन जो भी है वो सारा खत्म हुआ होगा, प्रोडक्शन कम है, तो डिसइन्वेस्टमेंट अगर पब्लिक सेक्टर की करोगे तो किसको बेचोगे. अब तो ठीक है वो भाई बंदी में ले लेगा जो हमारा अंबानी है ना, कि ठीक है भाई एक ही जगह से, बट अल्टीमेटली प्रॉफिट तो है नहीं उसका, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री को मैक्सिमम डिसइन्वेस्टमेंट से पैसा आने के लिए तुम्हें चाहिए क्या, प्राइवेट इंडस्ट्री है ना जो यहाँ से शेयर खरीदे जो भी है, बट देयर प्रोडक्शन इज वेरी लो, एट वेरी लो, तो वहाँ पर रिसेशन तो पहले ही, तो इट मीन्स डिसइन्वेस्टमेंट भी हमारा सोल्यूशन ही. तो गवर्नमेंट ने फिर किया गया, तो लास्ट बजट है RBI, तो उसको ले लिया. तो RBI गवर्नमेंट ने पहले ही बोला था दैट लास्ट टाइम व्हेन उर्जित पटेल वाज अ गवर्नर, तो इसके बारे में पहले बोला था फॉर द एक्सेस सरप्लस ट्रांसफर ऑफ सरप्लस फ्रॉम RBI टू गवर्नमेंट, लेकिन वो माना नहीं उन्होंने, बोला भाई चलो भाई आगे दूसरे को आने, देन ही रिजाइन एट दैट टाइम, क्योंकि प्रेशर होता है डायरेक्टली तो बोलेंगे नहीं भी रिजाइन करते हैं ना, क्योंकि वो डीमोनेटाइजेशन का इतना ऐतिहासिक फैसला लेने में साथ ही था है ना. तो उसके बाद गवर्नमेंट का अपना बंदा आया, क्या नाम था उसका, शशिकांत, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ने फिर विमल जगन पैनल. नाउ द क्वेश्चन इज वेदर इट इज अ राइट और रॉन्ग, हमें सोचना ही नहीं. सी यूपीएससी में आप ये नहीं कह सकते दैट दिस इज द राइट स्टेप ऑफ गवर्नमेंट एंड दिस इज रॉन्ग. अगर रॉन्ग है दिस कैन बी मोर बेनिफिशियल, अगर ये कर देते वो कर देते, तो अगर रॉन्ग है तो इसको अगर थोड़ा सा ऐसा करते तो ठीक हो जाता, यही है यूपीएससी है ना. यूपीएससी में तो ऐसा ही बंदा चाहिए उनको जो हाँ ना करता रहे बस, क्योंकि उनको पता है दैट ऐसा नहीं होगा भी हाँ मैं जैसे अभी एक रिजाइन हुआ है तो लोग कहता क्या क्या कहा था उसने, लोग पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा मैंने रिजाइन दिया था. ओके नाउ मेजर जो इसमें इशू है जो हमारा प्री और बीएस के लिए इम्पोर्टेंट है, किसमें आरबीआई के बारे में, नहीं वो पॉलिटिकल पॉलिटिकल प्रेशर कम, हाँ आप दूसरे वे से लिखते हैं कि हाँ प्रॉपर इंडस्ट्रीज को प्रॉपर स्पेस दें, वी हैव टू बिल्ड अ ट्रस्ट विद इन अ पीपल. अब जो बैंक और स्मॉल इंडस्ट्रीज और पीपल के बीच में जो लिक्विडिटी की कमी हुई है ना ड्यू टू डिक्रीज और लेस लोन्स, उसमें मेजर फैक्टर क्या है, लॉस ऑफ ट्रस्ट. तो यहीं पे गवर्नमेंट और इंडस्ट्री के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, वो लैक ऑफ ट्रस्ट ही है, ठीक है, ड्यू टू बिग मोर कंसर्न. यू कैन ऐड जितने मर्जी ऐड कर, मैं तो आपको मेन मेन करवाता हूँ, उसमें जैसे अगर न्यूज़ में आते हैं आप ऐड करते जाना, अल्टीमेटली आपको कंसेप्ट समझ आना, ओनली देन यू आर एबल टू रीड द न्यूज़ पेपर. ओके नाउ द आरबीआई के पास इनकम है ना, मैम आपको बात मिलता लास्ट में जब क्लास खत्म होगी तो वो थोड़ा अलग है ना, वो सारा कनेक्शन टूट पाएगा, इसलिए मैंने तीन टॉपिक किए, एक इकोनॉमी स्लो डाउन, उसके बाद ऑटो इंडस्ट्री का स्लो डाउन,
और गवर्नमेंट ने स्लो डाउन के लिए जो सोल्यूशन निकाला है दैट इज आरबीआई, इसलिए वो सीरीज में ग्रो लास्ट में ग्रो। आरबीआई की इनकम और आरबीआई का कैपिटल रिजर्व, फॉर एग्जांपल आप यू आर रनिंग अ पर्टिकुलर बिजनेस, ठीक है, एक बिजनेस रन कर रहे हो आप, आपको इनकम होगी, इनकम से कुछ तो आप अपने पेरेंट्स को दे दोगे और कुछ कैश रिजर्व रखो, है ना, क्यों, क्योंकि अगर कल को कोई स्लो डाउन या रिसेशन आ गया तो क्या होगा, वो काम है, सिमिलर इशू है। और वन साइड देयर इज अ गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ पर हमारी बैठी है आरबीआई, आरबीआई अर्न अ इनकम, ठीक है, और इस इनकम से कुछ पार्ट किसको जाता है, कुछ पार्ट तो यहाँ पर चले जाएगा कैपिटल रिजर्व में, रिजर्व रख लेंगे, है ना, फॉर द इमरजेंसी एंड सम पार्ट विल मूव टू द गवर्नमेंट, ठीक है। इन लास्ट 4-5 years देयर वर नथिंग, गवर्नमेंट इज गेटिंग वट एवर आरबीआई इज रनिंग अर्निंग का मतलब इनकम, मतलब इसकी मैं बात करूँ दैट इज आफ्टर ऑल एक्सपेंडिचर, जो भी ऐसा नहीं वो शशिकांत अपनी सैलरी भी दे देगा, है ना, तो अर्निंग मीन्स कि जो भी उसकी एक्स्ट्रा अर्निंग है, या तो वो कैपिटल रिजर्व में डाले, ठीक है, इसको पूरा हो गया, नाउ दे आर ट्रांसफरिंग टू गवर्नमेंट, ये हमारा इशू पड़ा हुआ है अपने, है ना। नाउ द इशू विच इज मोर इम्पॉर्टेंट इज वट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कैपिटल रिजर्व फंड, एक तो ये आपको प्रीलिम में क्वेश्चन आएगा, बट उसमें ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंड ऑफ आर बी आई और नॉट, है या नहीं, तो उसके आप या तो नाम ही याद कर लो बहुत है, क्योंकि उसके ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो इंटरनेट पर भी है नहीं, थोड़ी थोड़ी है, ठीक है, इवन आर बी आई की साइट पर भी नहीं मिली डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन दैट। तो गवर्नमेंट ने अभी किया गया है, ये मैं बताओ थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है आपने, कितना पता है हमें उसका, पैसे 1.78 लाख करोड़ की 1.76 और 78 एक तो ये दो चीजें हुई, एक तो टोटल कैपिटल रिजर्व कितनी है हमारी, इसकी परसेंटेज बताई हुई है कितनी, 5.5 नहीं टोटल वो तो कंटिजेंसी रिजर्व 24 जो आप बोल रहे हैं 5.5 दैट इज अ पार्ट ऑफ दिस 24। अच्छा, नो कैपिटल रिजर्व में आता क्या है, वन इज कंटिजेंसी फंड, देन इज सेट डेवलपमेंट फंड, देन रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहले ये कर लेते हैं एक पार्ट के लिए, टेन बी टू मूव नो इट मीन्स, एक तो हमारे पास है कंटेंजेंसी फंड, लिख लो कंपोनेंट आपको बस नाम याद कर दें, ठीक है, कंटेंजेंसी फंड, कंटेंजेंसी फंड किसके लिए होगा, अनफोर्सीन, है ना, एनीथिंग लाइक फॉर एग्जांपल एकदम से मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज आ गया, प्राइस रुपी का प्राइस गिर गया है एकदम से, है ना, उस फ्लक्चुएशन के लिए, और इवन टू फिल अदर यहाँ पर भी डालने के लिए अगर इनमें कम है, दैट इज कंटेंजेंसी फंड, एक एक लाइन बस उसमें आपने ऐड करना फॉर द अनफॉरसीन। सेकंड इज एसेट डेवलपमेंट फंड, एडीएफ, यूज टू इन्वेस्ट इन सब्सिडरीज, आरबीआई सब्सिडरी, जैसे नेशनल हाउसिंग बैंक है ना, अगर आरबीआई की सब्सिडरी है, अगर मतलब एसेट डेवलपमेंट का मतलब टू डेवलप एसेट ऑफ आरबीआई, जो भी आरबीआई एसेट डेवलप करे, अगर नेशनल हाउसिंग बैंक है दैट इज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई, तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है टू फिक्स दैट प्रॉब्लम दे विल यूज अ फंड फ्रॉम अ एसेट डेवलपमेंट फंड। उसके बाद आ जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट,
रीवैल्यूएशन अकाउंट, री वैल्यूएशन, स्पेलिंग लिखो क्या? नो, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या? रीवैल्यूएशन अकाउंट इज फॉर एग्जांपल आरबीआई ने कोई फॉरेन बैंक में इन्वेस्ट किया, फॉरेन यूएस में, है ना, नो करेंसी की वैल्यू अगर एक डॉलर एक टाइम पे 20 रुपीज का था, अब वो 40 का हो गया, तो ये अर्निंग किसको आएगी? आरबीआई को 20. सो दिस इट मींस कि जो एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन होती है वो इसके पार्ट लिखाऊंगा उसमें लिखना, ठीक है, दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट. इसका फर्स्ट पार्ट है करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, करेंसी एंड गोल्ड रीवैल्यूएशन अकाउंट. जैसे अभी नो दिस इज द लार्जेस्ट, ये सारे फंड में लार्जेस्ट है, ये याद रखना. नो रिसेंटली द करेंसी एंड सीजीआरए इंक्रीज्ड, उसके पीछे दो रीजन थे. वन इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गोल्ड, इंक्रीज हुआ. अब आरबीआई ने गोल्ड ले रखा है ना, अब उसका प्राइस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इस अकाउंट में वैल्यू इंक्रीज होगी. सेकेंड इज डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपीज, डेप्रिसिएशन हुआ ना अभी रिसेंट, कितने एक डॉलर के कितने रुपए बन रहे हैं, 74 तो 70. एक्सचेंज से आया अभी अभी, बिल्कुल एग्जैक्ट, ठीक है. सो अभी उसकी वैल्यू कितनी है ना, तो इट मीन्स डैट अगर 50 है, जैसे 70 कितना बोला आपने, 73.66 उसके आ गए या 7? 67, ओके 73.67 बोला. वो इतनी डिटेल में भाई मेमोरी चाहिए मेरे पास है, ठीक है. तो यहाँ से 76.3 है, अगर 50 होती पहले, अभी 73 है, इट मींस ये सारा इंक्रीज कहाँ पर जाएगा, रिवैल्यूएशन सीजीआर, ठीक है. सेकंड इसका पार्ट है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, फर्स्ट पार्ट था सीजीआरए, द सेकंड वन इज इन्वेस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट. इसमें आएगी फॉरेन सिक्योरिटीज एंड डोमेस्टिक सिक्योरिटी, जितने भी बॉन्ड इशू किए, ठीक है, फॉरेन में और डोमेस्टिक में, उनमें जितनी अर्निंग होगी या लॉस होगा, अगर लॉस होगा तो इसमें से जाएगा, अगर अर्न होगा तो इसमें. सिमिलरली हर अकाउंट में अगर अर्निंग है तो उसी में अर्निंग है, अगर लॉस है तो उसी में. अगर इन सारे अकाउंट में कोई चीज किसी में कम होते हैं फंड, देन दे विल शिफ्ट अ स्मॉल फंड फ्रॉम अ कंटिंजेंसी टू देम. लास्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन एसेट, फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यूएशन एसेट, ठीक है. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में होता है ना फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के, 3 दिन बाद 4 दिन बाद, उसमें जो भी इनका लॉस या प्राइस फ्लक्चुएट होगा, जितना भी लॉस होगा या गेन होगा, दैट विल बी इन्वेस्ट. तो ये आपको एक बस नाम याद रखने, थोड़ी डिटेल मैंने इसलिए बताई सो दैट यू कैन रिलेट कि भाई काम होता क्या क्या, ठीक है. नाउ द सेकंड थिंग इज आरबीआई ने कब एस्टेब्लिश की थी बीमा जगन, 2018 है ना, 2018 में बीमा जगन आई. नाउ द रिकमेंडेशन इसने क्या थी, द नंबर वन रिकमेंडेशन इज अमाउंट ट्रांसफर, देखो अमाउंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट, अमाउंट ट्रांसफर टू गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन टू थिंग्स वन इज रियलाइज्ड इक्विटी, सेकेंड इज इकोनॉमिक कैपिटल. वन इज रियलाइज्ड
इक्विटी, सेकंड इज इकोनॉमिक कैपिटल। रियलाइज इक्विटी कौन सी है? रियलाइज मतलब क्या होता है? जो कैश में कन्वर्ट है, जो रियलाइज है, यू नो दैट दिस इज अ पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। कंटेंजेंसी फंड इज अ रियलाइज इक्विटी, क्यों? बाकी क्यों नहीं है? एसेट डेवलपमेंट फंड इज वेरी लेस, तो उसको हम निग्लिजिबल ही समझते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट इज दैट अ रियलाइज इक्विटी और नॉट? नहीं, क्योंकि ये रियलाइज कुछ नहीं है, दिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल मार्केट। समझो आप कंसेप्ट को, समझो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, उसमें सीजीआर है आपका, कि जितनी गोल्ड की वैल्यू कम या ज़्यादा होगी, या करेंसी की कम ज़्यादा होगी, या सिक्योरिटी की कम ज़्यादा होगी, वो फ्लक्चुएट करता रहेगा। कई टाइम पे ये इंक्रीज होता रहेगा, कई टाइम पे ये डिक्रीज होता रहेगा। सो दिस इज नॉट अ रियलाइज। लेकिन जो प्रॉफिट में से हमने कुछ अमाउंट डाली है इन कंटेंजेंसी, वो तो हमारी है, दैट इज रियलाइज, ठीक है। सो रियलाइज अभी इंडिया की कितनी है? 6.8। कितनी है? तो विमल चंदन ने क्या बोला? 5.5 to 6.5, है ना? विमल चंदन ने बोला दैट दिस इज मोर देन इनफ, दैट कंटेंजेंसी फंड इज अ रियलाइजिंग इक्विटी। अकॉर्डिंग टू विमल चंदन इट शुड बी फ्रॉम 5.5 to 6.5, एंड करंट इट इज 6.8। तो उन्होंने जो लेवल अचीव किया दैट इज 5.5। Now RBI's realized equity is 5.5. तो इसमें कितना पैसा निकाल दिया? 52,637 crore। तो यहाँ से 52,637 crore इतना पैसा किसको चला गया? गवर्नमेंट को। क्लियर है? रिपीट करूँ दोबारा? किसी को डाउट है तो रिपीट करो। क्या कहाँ से करूँ? रियलाइज इक्विटी से। नो, देर आर टू टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच विमल जनन से दैट यू हैव टू टेक इन टू अकाउंट वाइल ट्रांसफरिंग फंड टू अ गवर्नमेंट। क्लियर? इतना टू टाइप की कौन सी है? वन इज रियलाइज इक्विटी, सेकेंड इज इकोनॉमिक कैपिटल। इकोनॉमिक कैपिटल को अभी हम छोड़ देते हैं। नो, रियलाइज इक्विटी क्या है? रियलाइज विच इज रियलाइज, कि जो हमारे हमने कैश में कन्वर्ट करके रख लिया है, वो कौन सा है? कंटेंजेंसी फंड, है ना? अब टोटल कैपिटल रिजर्व है, उसका एक पार्ट है कंटेंजेंसी फंड, तो वो तो हमारा पड़ा हुआ है। लेकिन बाकी जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, टोटल कैपिटल रिजर्व का पार्ट, दैट इज अ फ्लक्चुएटिंग, वो तो फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि वो एक्सटर्नल मार्केट से लिंक है। अगर डॉलर का प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा, ये फ्लक्चुएट करेगा। अगर यूएसए सिक्योरिटी या लोकल सिक्योरिटी, कोई भी आपने बॉन्ड खरीदा है, कोई कुछ भी खरीदा, उसकी वैल्यू इंक्रीज या कम होगी, वो भी इसमें इंक्रीज और डिक्रीज रहेगी। तो मोस्ट अथेंटिक कौन सा है? कंटेंजेंसी फंड, जो जितना है उतना ही रहेगा, है ना? तो कंटेंजेंसी फंड किसके लिए है? एमरजेंसी कंडीशन के लिए। विमल जनरल ये बोलता है दैट फॉर द एमरजेंसी फंड, एमरजेंसी कंडीशन, आरबी के पास कितना फंड होना चाहिए? वो कहता है इट शुड बी फ्रॉम 5.5 to 5.6%, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 5.5 to 5.6 उसने लिमिट सेट कर दी, लेकिन अभी करंट कितना है? 6.8। या तो कुछ फंड इसे निकाल कर 6.5 कर देते, है ना, या थोड़ा और फंड निकालते तो वो 6% हो जाता, लेकिन ये लोअर लिमिट पर देखे, लोअर लिमिट मतलब 5.5। तो बाकी सारा फंड निकाल कर अब कितना रह गया ये 5.5, तो उसमें फंड कितना निकला? 52,637 crore। इतना फंड निकाल दिया, अब इसकी परसेंटेज कितनी है? 5.5। क्लियर है? ठीक है। सो इट मींस दैट आरबीआई के पास तो फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी, क्योंकि अगर मेरे पास 2 लाख हैं, इन्वेस्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी या रिस्क टेकिंग फ्लेक्सिबिलिटी मेरे पास ज़्यादा होगी। अगर मेरे पास 1.5 लाख है तो कम होगी। तो आरबीआई के जितना कंटेंजेंसी फंड को हम लोअर लिमिट पर रखेंगे, हमने बिल्कुल लोअर पर रख दिया, विच इज़ असेंशियल, है ना, इससे थले तो जाना नहीं। सो इट मींस दैट वो लोअर लिमिट क्या होगी? फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी टू टेक इट्स ऑपरेशंस, है ना। जितना ज़्यादा फंड होएगा उतना ही बंदा ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है ना, कि ये भी मैं कर लूँ, वो भी कर लूँ, अच्छा अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा। पैसों की चिंता नहीं है,
जैसे हम करते हैं ना कई बार दुकान पे जाके पैसों की चिंता नहीं, ये काम करके दे, तो वो आरबीआई अपनी बोल सकती है। अब तो पैसों की चिंता है भी है ना, एमरजेंसी कंडीशन में उतनी है जितना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूँ तो आपने दिल्ली जाना है, अगर सपोज करो 550 कितने की टिकट आती है, 600 की टिकट है, ठीक है, वापस भी आपने आना है, आपको 1200 दे दिए कि वहाँ पर जाओ बस स्टैंड से घूम कर वापस आ तो वहाँ पर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी? अगर आपके पास 2000 तो कितना ज़्यादा होगी, ठीक है, और टेंशन भी नहीं होगी कि कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी डिपेंड अपॉन द रिजल्ट कि आपके पास है कितनी कैपिटल। द सेकेंड इज एग्रीगेट इकोनॉमिक कैपिटल। एग्रीगेट इकोनॉमिक कैपिटल का मतलब क्या है? रियलाइज इक्विटी प्लस रीवैल्यूएशन अमाउंट, ये टोटल, समझे आप? इकोनॉमिक कैपिटल, आरबीआई के पास टोटल ये कैपिटल रिजर्व है, टोटल है ना, इतना तो याद है दैट दिस इज कैपिटल रिजर्व, टोटल कैपिटल रिजर्व है। उसका एक पार्ट कौन सा है? कंटेंजेंसी फंड, एक एडीएफ है, उसके बाद रिवैल्यूएशन काउंट है ना, इतना समझ आया? नाउ ये जो कंटेंजेंसी फंड है दिस इज रियलाइज्ड इक्विटी, ठीक है, ये जो रिवैल्यूएशन काउंट है अगर इसको इसमें ऐड कर दें तो टोटल इकोनॉमिक कैपिटल बन जाएगी आरबीआई की। टोटल कैपिटल रिजर्व मतलब इकोनॉमिक कैपिटल जितनी आरबीआई के पास पड़ी है वो कितनी है ये सारी। तो सेकेंड पॉइंट है जो एग्रीगेट इकोनॉमिक कैपिटल, इट मीन्स इट इज अ रियलाइज इक्विटी, कंटेंजेंसी फंड मतलब कंटेंजेंसी फंड एंड रिवैल्यूएशन अमाउंट। क्लियर है? मैं स्लो करवा रहा हूँ क्योंकि एडीएफ है बहुत, मैंने पहले बताया था इसका मार्जिन ही बहुत कम, ये बहुत स्मॉल है इसीलिए इसको काउंट नहीं करते, काउंट कर भी सकते हो आप लेकिन करते नहीं, ठीक है, समझ आया? सो इट मीन्स टोटल कैपिटल का एक लेवल देखेंगे आरबीआई के पास कितना है, वो कितना है? विमल जलन ने क्या बोला, ये टोटल लेवल कितना होना चाहिए? इट शुड बी 22-24.5 24.5 to 20%, ये टोटल कैपिटल है कितना रिजर्व, ये होना चाहिए 22-24.5, ठीक है, 22-24.5%। और हमारे पास कितना है? 23% समवेयर, एग्जैक्ट बताऊं इट इज 23.3%। ठीक है, अब उसने बात देखो कैसे, दो चीजें उसने बताई। यहाँ पर देखो मैंने ड्रॉ किया दैट आरबीआई के पास इनकम है, इनकम को वो गवर्नमेंट को देगी, उसमें से कुछ पार्ट कैपिटल रिजर्व या इकोनॉमिक कैपिटल एग्रीगेट इकोनॉमिक कैपिटल में जाएगा। विमल जलन ये बोलता है दैट टोटल आपके पास जो एग्रीगेट है जो आप इनकम में से इसमें डालते हो ना वो आपके पास होना चाहिए 22-24.5, लेकिन आपके पास कितना है? 23.3, ये टोटल। इट मींस दिस 23.3 इज अ विद इन अ लिमिट जो विमल जला ने बोली। तो कहता है ये लिमिट में, इसका मतलब आपको इनकम में से कुछ भी पार्ट यहाँ पर ट्रांसफर नहीं करना, समझे? सो जितनी भी आपकी 1,23,000 अप्रॉक्सीमेटली करोड़ इनकम है ना वो सारी किसके पास जाएगी? गवर्नमेंट के पास जाएगी, एक तो ये चलेगी। सेकंड पार्ट कहाँ से गया? वो कहते हैं जो कंटेंजेंसी फंड है वो एक्सेस है, इट शुड बी 5.5 to 6.5, तो उसकी लोअर लिमिट लेकर आओ, वो सारा फंड है वो भी ट्रांसफर कर दो। सो 1,23,052,000 करोड़ वो सारा मिलाकर अप्रॉक्सीमेटली 1.76 करोड़ बन गया, वो सारा चलेगा गवर्नमेंट। एक और जो प्री के लिए इफेक्ट है दैट दिस इज ओनली द फर्स्ट टाइम दैट आरबीआई इज शिफ्टिंग अ सरप्लस फ्रॉम कंटेंजेंसी फंड टू गवर्नमेंट, आज तक ऐसा नहीं हुआ, इनकम ही जाती थी। क्लियर है या नहीं? रिपीट कर देता हूँ, बोलो। हाँ जी, आरबीआई की इनकम इस साल की आरबीआई की इनकम होगी, जैसे पहले 50,000 होती थी, 50,000 सारा कहाँ पर जाता था? गवर्नमेंट के पास। अभी 1,23,000 है,
एग्जैक्ट अमाउंट देख लिए, किसी को याद है? ओके, 1,23,000, इट इज 1,23,414. 1,23,414 ट्रांसफर हुई है. आज से पहले कैसे ट्रांसफर होती थी? ओनली द इनकम. वो इनकम होती थी हमारी 50 to 52,000. वो भी हम देखेंगे दैट हाउ सडनली आरबीआई इनकम इंक्रीज, कैसे 1,00,000 इतनी पहुंची, वो बाद में देखते हैं. इनकम जाती थी यहाँ पे, यहाँ पर कोई पैसा नहीं जाता था. क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी आरबीआई का सरप्लस था. बिमल जलाल ने क्या बोला? दैट ये टोटल आपके पास कैपिटल जितनी अपने रिजर्व रखी हुई है ना, दिस इज मोर देन सफिशियंट. ये 22-24.5 चाहिए, उसी के अंदर आपकी लिमिट है, आपके पास 23.3 है ना. तो आप कोई भी इनकम में से मनी जो है वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करोगे. वो कहते ठीक है नहीं करते, कहते लेकिन इधर करोगे. ठीक है, तो इनकम कितनी है फिर आरबीआई की? 1,23,414, वो सारी गवर्नमेंट के पास चलेगी. एक फैक्टर. सेकेंड फैक्टर इज कि जो आपके पास कैपिटल फंड है, कंटेंजेंसी फंड है ना, जो एमरजेंसी के लिए रखा हुआ है आपने, तो इधर एमरजेंसी है दे दो फिर. ठीक है, सो दैट शुड बी फ्रॉम 5.5 to 6.5. तो 5.5 लोअर लिमिट रखो, बाकी जितना ऊपर है हमें दे दो. तो 52,637 अगर आप दोनों को ऐड करोगे तो 1.76 लाख करोड़ बन जाए. तो इतना पैसा चला गया आरबी उसके गवर्नमेंट ऊपर. टोटल नहीं 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 ऑफ टोटल एसेट ऑफ आरबी. अरे ऐसा मत लिख देना, नहीं नहीं ठीक है. ये टोटल बैलेंस शीट जो आरबीआई की थी उसकी परसेंटेज. ओके, सी नाउ वी हैव टू डिस्कस कि हाउ दैट सडनली आरबीआई इनकम इंक्रीज. देखो आरबीआई का एकदम से कैसे इंक्रीज हुई, ये आपको पूछ सकते हैं प्रीमियम. नंबर वन इज पॉजिटिव इंटरेस्ट इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. पॉजिटिव इंटरेस्ट इन लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होता है? यहाँ पर देखो 2016 एंड 17 डीमोनेटाइजेशन हुई थी, है ना. डीमोनेटाइजेशन मतलब बैंक का मनी किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास, है ना. टू सम एक्सटेंट आरबीआई हैव टू पे इंटरेस्ट. ठीक है, दिस वाज द रीजन कि 2016-17 में इतनी आरबीआई को इनकम नहीं हुई. सिमिलरली 2017-18 लिक्विडिटी वाज वेरी लेस, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन के बाद पैसे आए नहीं, तो वहाँ पर भी आरबीआई को इतनी इनकम नहीं हुई. क्योंकि आरबीआई बॉन्ड देगा, है ना, लोग परचेज कब करेंगे जब पैसा होगा? पैसा तो था ही नहीं, है ना. देन 2018-19 पॉजिटिव एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी क्या होती है? यहाँ पर बैंक भी होगा एंड आरबीआई भी. ठीक है, बैंक्स भी होंगे आरबीआई भी होगी. अभी डिटेल तो आपके पास में देखोगे, बट इफ बैंक गिव मनी टू आरबीआई हैव टू पे इंटरेस्ट. अगर आरबीआई देगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना. तो अल्टीमेटली ये हुआ टोटल इंटरेस्ट जो है वो किसके फेवर में गया? आरबीआई के. इट मीन्स आरबीआई अर्न मोर इंटरेस्ट ड्यूरिंग दिस फेज. ठीक है, एक तो ये रीजन था. सेकेंड इज लार्ज अमाउंट ऑफ बॉन्ड परचेज.
large amount of bond purchased by RBI. Open market operation, high amount of open market operation. Bonds sold. Sold by RBI. नहीं नहीं बॉन्ड परचेज फॉरेन से वहां से उसकी अमाउंट इंक्रीज होगी तो बेचेगा प्रॉफिट. हाँ प्रॉफिट ठीक है. फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नेक्स्ट इज फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. जैसे मैंने अभी बोला हुआ था रुपी डेप्रिशिएट हुआ विच इंक्रीज अर्निंग ऑफ आरबीआई. अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए ठीक है ये समझ आ गया आपको नो द पॉजिटिव क्या होगा. कोई भी मार्केट जैसे फॉरेन से यूएस से आपने कोई सिक्योरिटी परचेज की उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी तो आप देखेंगे आपको प्रॉफिट होगा. आप इंटरेस्ट तो मिलेगा ही आपको उस पर. अच्छा इम्पैक्ट क्या होगा. तो हमने ऑल टाइम इससे ज़्यादा है न्यूज़पेपर में तो है नहीं किसी को मिला था बता. इम्पैक्ट क्या होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट. गवर्नमेंट को है ना गवर्नमेंट के पास और तो कुछ था ही नहीं. अब ये आ गया लेकिन गवर्नमेंट ने आउट ऑफ 1.76 जो हम बोल रहे हैं है ना इसमें जो गवर्नमेंट को आया जो एक्स्ट्रा वो कौन सा है ओनली 52,000. ये तो इनकम तो पहले भी जाती थी अभी जा रही है आरबी गवर्नमेंट के पास है ना. 28,000 तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को मिल चुका है मार्च इंटरिम बजट मार्च में मिल चुका है गवर्नमेंट को 28,000. उसके बाद गवर्नमेंट ने जो एक्सपेक्टेड किया था कि हमें आरबीआई से कितनी मनी आएगी दैट इज 95,414. तो 95,414 करोड़ एस्टिमेटेड था ठीक है. अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना है 1,23,000 सेम अमाउंट. और उसके बाद एक्स्ट्रा कितना आया दैट इज 52,637. अगर ये पूरा ऐड कर दें तो हमारा फुल अमाउंट आ जाएगा ठीक है. इम्पैक्ट इसका एक तो होगा पॉजिटिव दैट इज दिस कैन बूस्ट गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर. पता है हमने है ना कि गवर्नमेंट को पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट की टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है. टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है ना भाई टैक्स इतना कलेक्ट हुआ नहीं. अब टैक्स कम होगा तो क्या होगा यहाँ से पैसा आएगा. सो या तो फिस्कल डेफिसिट जो हो रहा है करंट टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू उसको क्योर कर ले या फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करे है ना एट लोअर लेवल. ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है. ये मैं नहीं कह सकता क्या करेंगे अभी पता चल जाएगा 4-5 दिन में क्या करेंगे. हो सकता है कश्मीर में कुछ करें. द सेकंड थिंग इज इम्पैक्ट ऑन बॉन्ड मार्केट. इट विल बूस्ट द पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट है ना भाई. क्रेडिट रेटिंग हमारी इंप्रूव होगी फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज हुआ उससे क्या होगा बॉन्ड मार्केट विल इंक्रीज तो परचेज हाई होगी तो गवर्नमेंट को इंटरेस्ट ज़्यादा. अभी ये मतलब इसके इतना डिटेल तो हम करेंगे नहीं क्योंकि फायदा नहीं है. नेक्स्ट वीक तो करवाई दूंगा जो गवर्नमेंट करेगी इस पर है ना. नो द कंसर्न क्या है व्हाट आर द कंसर्न. मैंने ऑलरेडी बताया हुआ कि कौन से हैं. एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है ना फ्लेक्सिबिलिटी डिक्रीज होगी. नंबर वन इज डिक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई. डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आरबी. क्यों क्योंकि ऑलरेडी जो हमने कंटिजेंसी फंड है उसकी लोअर लिमिट पर आ गए दैट इज 5.5. द सेकेंड वन इज अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन आरबीआई बैलेंस शीट. अ स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन आरबीआई बैलेंस शीट विल बी रिक्वायर्ड will be required to transfer
a high amount to government next year. ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर हमें क्या करना पड़ेगा? Now if government is expecting the same amount, आपको दो टॉपिक इसमें दो पॉइंट ऐड करने हैं. एक तो 10% वाला था, that is government was government expenditure, normal government का expenditure कितना है, that is 10%. फिर उसके बाद 19% हो गया, फिर 13%, that is already above average. उसके कारण हमारी इकोनॉमी को थोड़ा बूस्ट मिल रहा. Now with the time, अब government के पास पैसा नहीं है, है ना, तो now government is expecting from RBI, RBI ने फंड दे दिया. So government can expect next year also, कि अगले साल 5.5 से 4 ले हो. कुछ भी हो सकता है ना, तो वो देखना पड़ेगा. That we have to see कि कैसे RBI की autonomy. So this is a, we can say, challenge to RBI's autonomy and freedom, है ना. Freedom पर challenge है ही है. एक प्रीलिम के लिए क्वेश्चन लिख लो जो आपको पूछा जा सकता है, कि इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पर जो भी विमल जलन की कमेटी आई है, क्या पास्ट में कौन कौन सी कमेटी थी. दे कैन आस्क यू क्वेश्चन लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग हेड ऑफ अ पर्टिकुलर इकोनॉमिक कैपिटल इकोनॉमी फ्रेमवर्क, है ना, कि हमारे पास्ट में भी है. तो प्री के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. एक कमेटी आई थी 1987 में, सुब्रमण्यम कमेटी. This is also related to economic capital framework. जो अभी recent कौन सी है, विमल जलन, that is also related to economic capital framework. Second one is मेलेगांव. मेलेगांव 2014. Third one is उषा थ्रोट. And now Dimanjal. Say Usha Throat. क्या हुआ? अरे यार, आपने सुनिए, कई इसकी कमेटी एक नहीं है और भी है, नाम ही ऐसा क्या, उषा थ्रोट, उषा पंखे वाला. क्या 2004 सुब्रमण्यम 1987, मेलेगांव 2014, उषा थ्रोट 2004 एंड विमल जलन 2018. क्लियर है? सेम एक्चुअली क्वेश्चन, या तो आपको ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग हेडेड इकोनॉमिक कैपिटल फ्रेमवर्क पॉलिसी, तो इसलिए आपको ये चार नाम भी याद, मतलब एक एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हाँ भी और भी थे, ऐसा नहीं अकेला विमल जलन. ठीक है, तो ये इसीलिए लिखवा रहे हैं, अदरवाइज इसको आराम भी किया. ओके, नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज एनआरसी.